कई महीनों से बकाया वेतन के भुगतान सहित 42 सूत्री मांगों को लेकर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले विगत 18 फरवरी को बिहार विधानसभा के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हजारों शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज से आहत सुपौल के शिक्षकों ने जिला संरक्षक सुनील यादव की अध्यक्षता में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर गुस्से का इजहार किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने कहा कि 5 माह से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। आलम यह है कि वेतन के अभाव में इलाज न करा पाने की वजह से दर्जनों शिक्षक एवं शिक्षिकाएं काल कल्वित हो रहे हैं और जब बकाया वेतन की मांग की जाती है तो संवेदनहीन सरकार लाठीचार्ज करवा कर शिक्षकों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। महीनों से बिहार के लाखों शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। हमारे भाई बहन अकारण मौत के गाल में समा रहे हैं, काल के गाल में समा रहे हैं और जब हम पटना की धरती पर विधानसभा के समक्ष बकाया वेतन की मांग करने जाते हैं तो यह सरकार शिक्षकों पर लाठीचार्ज करवाती है, वाटर कैनन का प्रहार करवाती है। सरकार के इस रवैया से पूरे बिहार के लाखों शिक्षक हताहत हुए। आज हमारे यही आपके मीडिया के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री तक बिहार सरकार तक संदेश देना चाहते हैं कि अपना चाल चरित्र बदलिए, शिक्षा और शिक्षा नीति के संदर्भ में अपनी संवेदना रखिए, अन्यथा बिहार के 4 लाख शिक्षक आगामी लोकसभा चुनाव में आपको आपकी औकात दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।